So, hey guys, welcome है दोबारा से मेरी इस वीडियो में आप लोगों का। आप लोग जानते ही है कि हम आ रहे थे सागुंबर और सागुंबर की मेरी फर्स्ट वीडियो। मैं एक ही वीडियो बनाई थी पर बहुत ज्यादा लंबी था। क्यों ना इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। और मुझे दोबारा से इतने दूर चलने के बाद 6 किलोमीटर चले होंगे, उसके बाद हमें बिस्किट ये देख खा रहा है तो क्या नाचो मैं और एक ही माजा की बोतल मिली है 50 रुपए की थी ये मुझे आगे ना वैसे तो अभी दोबारा से एक पहाड़ में छोटा सा और चढ़ना पड़ेगा। ये छोटा सा पहाड़ हो रहा है उस पे चढ़ेंगे हम। ओ यार आजा थोड़ा ऊपर आजा यहाँ के घर। कैसा फील हो रहा है? पत्थर देखो यार कैसे कैसे पड़े हैं। ये गिर गया था मैं तो अभी अभी यहाँ पहुंच जाता गिर के। असमत पगली प्यार हो जाएगा, इसका रिमिक्स हमने बनाया है। गिर मत पगली चोट लग जाएगी। कहाँ बवासीर बना दिया हो? खैर कम से कम पूरे रास्ते में यहाँ तो सुकून है, छाई छाए है। वहां से तो बहुत अच्छा रास्ता है, पूरे रास्ते में छाए है। रास्ता देखो कितना खतरनाक है, अगर गिरे तो सीधा नीचे खाई में। नेचर लवर है हम, पता है तुम लोगों को नेचर लवर। ये देखो पहाड़ी पहाड़, पहाड़ों का रास्ता, पहाड़ी जिंदगी। पेट में दर्द हो रहा है, आराम से चल। आगे आगे जा रहा है भागा हुआ, कुछ भी नहीं गया। अभी तो मरे जा रहा था, माजा पी के ताकत आ गई क्या? ये हालत यार सच में खराब हो रही, पेट में दर्द हो रहा। देखो तो मंदिर भी नहीं दिखाई दिया, कहाँ है सिंधी, क्या खतरनाक है। थोड़ा धूप कब हुआ है। चलो फाइनली मंदिर तो दिखाई दे गया हमें, क्यों अब थोड़ा शांति, मेरा पेट का दर्द कम हो गया। देखो भाई सीधा डायरेक्ट। ओ भाई यहाँ देख बिल्कुल कटी हुई जगह है, डर लग रहा मुझे तो। देखो सीढ़ी खाई है भाई साहब, देखो क्या सीन है भाई, गहराई इतनी ज्यादा है ना। मंदिर भी हमारे पास ही है अब तो। असंभव। वो रहा सामने मंदिर, अभी वो सामने दिख ही रहा है, अभी वहां पे भी घूम के जाना पड़ेगा। अभी गिर गया होता वही तो। क्या क्या लिख रहा है? निहाल राजा। मैं अपना YouTube का जो मेरा चैनल है तो यहाँ पर लिख रहा हूँ। मिशन अनसक्सेसफुल। तो देखो सामने मंदिर पर हम पहुंच चुके हैं अब। ये माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, देखो कितना अच्छा प्यारा सा बच्चा है। पर अगर इनको कोई छेड़ेगा ना तो ये वाओ
कितना प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी सी बन रही है देखो। और ये दूसरा बंदर, लाल मुंह का बंदर। भाई बंदरों ने तो मुझे घेर लिया था, किल्ले मारे थे। ये सूरज कुंड। चलो भाई आजा, हम लेट हो चुके हैं। अगर यहाँ ऊपर जाएंगे पहाड़ों में तो घर जाने में हमें अंधेरा हो जाएगा, और मुझे अपनी कुछ बुकें भी खरीदनी है, इस वजह से जल्दी जाना पड़ेगा। दोस्तों हम आ चुके हैं सूरजकुंड। तो यहाँ पर एक शिव जी की मूर्ति है, ये देखो, ओम नमः शिवाय। और वहाँ पर हम जा नहीं सकते, वो आप जो जानते हैं, वो देखो सामने हमारा दुश्मन बैठा हुआ है। शायद सीधा बंदर है, छोड़ कुछ नहीं करेगा, प्लीज़ कुछ मत बोलना हमें। कैसा रास्ता है यार, अबे आ जाए यहाँ तक, यहाँ पर आके यहाँ तक। अबे यार कुंड देखना कितना अच्छा सीन है यहाँ का, बड़ा चिल्ड पानी है यार, ठंडा ठंडा। ओए ओए देखो, अब चलते हैं यहाँ से। दोस्तों कुंड बुंड हम घूम लिए, अभी फाइनली घर जाने का टाइम हो चुका है। और बंदर कहीं से भी हमला कर सकते हैं हमारे ऊपर, इनका कोई भरोसा नहीं है। फोन बचा के रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, अगर ना बचा पाए तो समझो हमारा फोन गया और वो मिलेगा भी नहीं। देख 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 बंदर जीव पा रही है, जू देखेगा उनकी जू मार के, ढूंढ नहीं रहेगा एक दूसरे की। हाँ एक दूसरे की जुएं ढूंढती हैं बंदर, बंदर बंदरी पता नहीं क्या क्या बोल रहा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्या बता रहे हो मुझे? मिलेंगे नीचे जाकर। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को अब तक देखने के लिए। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो तक वीडियो पर अब तक बने हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या किसने जाना। ओए ओए हेलो, ये गोली की स्पीड में जाते हुए, ओ पागल कहाँ जा रहे होंगे, होंगे कहाँ जा रहा है। यो है रास्ता ये ही आ जा। हिम्मत है तो कोई यहाँ पर भाग के दिखाओ, सीधा खाई में पहुंच जाओगे। ये नीचे वाली खाई डायरेक्ट इसमें हमारे लूना स्टार्ट होने वाली है। 1 2 3 बम 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 बम। क्या कर रहे है यार तू, मतलब मजाक है क्या? एक्सीडेंट हो गए यार। तो दोस्तों अगर हमारी लूना पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आजा। हाँ तो दोस्तों आज का एक्सपीरियंस बड़ा ही खतरनाक रहा है, धमाकेदार रहा है, और आज यहाँ से जाने के बाद जो हमारी हालत होने वाली है वो हम नहीं बताएंगे। और ये भूखा रखे लगे दिल क्या करे जब किसी से अपना फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। गुड़
किसी को प्यार हो जाए। ला 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 है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा। जीव जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। तो भैया कुछ बताने वाले हैं, सुन लेते हैं थोड़ा। क्या बोल रहे हो आप? जोर इसलिए निपटने का। अच्छा, क्योंकि तो मौसम सुहाना हो गया। ओके, मौसम सुहाना है और व्लॉग हमें बनाना है। हवा चल गई, धूप भी चली गई। अच्छा, हवा चली गई, दूसरी बात धूप भी चली गई। शाम का टाइम हो चुका है और शाम का टाइम भी हो चुका है, तो इसलिए आप पूरा एंजॉय। और मेरी पागलपंती झेल रहे हो आप लोग अब तक? शकल ऐसी होगी जिक्र एक हफ्ते से नहीं आए भाई। यही तो मजा है। और मुझे देखो, वाटर प्रूफ टिक्का लगाया था पंडित जी ने, मैं मुंह दबा के धोया तब भी ऐसा कैसे ही है। ऐसे ही चाह मुझे, ऐसे वैसे सब्सक्राइबर नहीं चाहते, कुछ भी कर लो, ऐसे सब्सक्राइबर आओ मेरे चैनल पर जो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे। सिस्टम के तहत ये कुछ कुछ वर्ड बताता है मुझे और मैं उन्हें अपनी वीडियो में ऐड कर देता हूँ। चोरू में बहुत बड़ा। और हाँ, दोस्तों के लिए एक बात जरूर बोलूंगा कि जो भी दोस्त मेरा आजकल बहुत साथ जो है, बहुत सारे दोस्त छोड़ चुके हैं, उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करता और हाँ मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता और वीरान फिरता हूँ ऐसे ही इधर इधर, और वो लोग साथ छोड़ चुके हैं। जिसे छोड़ना था मुझे पता है किसने छोड़ा है, किसने नहीं छोड़ा है और कौन मेरे चैनल को आगे बढ़वाना नहीं चाह रहा है। तो कोई नहीं, उनके लिए भी मैं दुआ करके आया हूँ। आप लोग मेरे लिए करो ना करो, हाँ उनका भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनके ऐसे मुझे बार बार तोड़ने से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है नहीं नहीं, अगर ये दोस्त मेरा साथ नहीं दे रहे हैं ना, तो एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। आप लोगों की दुआ रही तो। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा ये वर्ड, कुछ दोस्त हैं दगाबाज, तो दगाबाजों अगर सुन रहे हो या तो साथ दे दो, नहीं तो ध्यान रखना बहुत भारी पड़ने वाला हूँ तुम लोगों पे मैं आने वाले टाइम में। थैंक यू दगाबाजे दोस्तों, थैंक यू। और मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, जितने भी हैं, दिल से मुझे प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच कि मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की वजह से। अभी थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आते हैं। ओके, आई लव यू। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि कोई तकलीफ नहीं होंगी, वह मतलब यह होंगे कि तकलीफा ना डील करना होंगे। थैंक यू सो मच। ये हमारा दोस्त प्यार ऐसा बच्चा, बहुत अच्छा लगा मैं दूर से ही। बिस्किट ले रहा था तू? बिस्किट नहीं खाएगा? खाएगा, खा ले फिर। मेरा दूसरा आ चुकी है नीचे और पहाड़ों पे अभी धूप है बहुत तकड़े वाली, क्योंकि अभी हम नीचे नदी में चल रहे हैं। और जूतों की हालत देखो क्या हो चुकी है, नए जूते पहन कर आया था। ये होती है पहाड़ी लाइफ, मैं आप लोगों को दिखा दिया आज। पहाड़ों में लोग कुछ इस तरीका से रहते हैं, तरीका। क्या बने गाड़ी वाले भैया, हमको भी लिफ्ट दे दो। कहाँ है अभी, दिखाई नहीं दे रही गाड़ी। ओ गाड़ी कहाँ चलेगी? इसमें दिखाई नहीं दे रही, दिखी है थोड़ी थोड़ी। फाइनली दोस्तों हम थक चुके थे बहुत ज्यादा और हमें इन भैया ने लिफ्ट दे दिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। अभी वहां तक का तो सफर हमारा आसान हो गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। शाम से पहले घर भी पहुंचना है, रात हो जाएगी आज जाते जाते, गालियां पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच भैया। आपको हाथ हो जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज का, बताएंगे कुछ? सबसे पहली बार तो दावत, दावत भी हो जाएगी। थकावट? अच्छा थकावट, थकावट हो
अच्छा मुझे सुनना, मैं भी थक गया। हाँ जी मुझे इतना पता है ना, 6-7 किलोमीटर पता चलवा दिया। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो भैया ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया, लिफ्ट दे दी। पकड़ियो एक मिनट पकड़ियो। थैंक यू भैया, मिलेंगे फिर अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो भैया ने हमें छोड़ दिया, लिफ्ट दी है, लिफ्ट उधर से दिए हमें, इधर घुमा के लाए थे। तो अभी चलो, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ब्रो। और दीदियो तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और जय माता दी।